हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ टुडेज टॉपिक इज अवर एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं? बिफोर कमिंग टू द एडी करंट्स, फर्स्ट आई वांट टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज। अभी तो हमने फैराडे के लॉ में क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ कॉइल, अगर यहाँ कॉइल है और इसके सामने अगर हमें मैग्नेट रख देते हैं, एंड व्हेन द मैग्नेट इज इन मोशन देयर इज अ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन द मैग्नेट देयर इज अ इंड्यू ऑफ चेंज इन द फ्लक्स, एंड ड्यू टू दैट इन चेंज इन द फ्लक्स द करंट इज इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप इन द सर्किट। इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप इन द सर्किट। और अगर मैं इस इंड्यूस ईएमएफ को सेट कर रही हूं, यहां पर अगर मैं इस कॉइल को क्लोज कर देती हूं, तो यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज योर जो करंट होगा दैट इज योर इंड्यूस करंट। मतलब कि फैराडे ने क्या बोला था, वेन एवर देर इज अ मैग्नेट और मैग्नेट से देर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, वेन एवर द चेंज रिलेटिव मोशन इन द मैग्नेट, तो मैग्नेट का अगर रिलेटिव मोशन होगा तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी देर इज अ इंक्रीज इन द फ्लक्स, और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में देर इज अ डिक्रीज इन द फ्लक्स, एंड ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फ्लक्स एक इंड्यूस ईएमएफ विच इज सेटअप इन द कॉइल, दैट करंट दैट इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो इंड्यूस द इंड्यूस करंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस करंट। तो यहां पर आपका इंड्यूस करंट डेवलप होता है। अब क्या एडी करंट्स भी वही सेम करंट होता है? तो आंसर इज नो, एडी करंट्स डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, एडी करंट्स में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ कॉइल, कॉइल की जगह पे हम एक कंडक्टर रख देते हैं, कंडक्टर एनी ऑफ द कंडक्टर, कॉपर सिल्वर एनी ऑफ वी कैन टेक द कंडक्टर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर शेप और इट कैन बी इररेगुलर शेप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एंड इसके अंदर कुछ करंट इंड्यूस होगा जिसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज इन द सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में यहां पे करंट इंड्यूस होता है व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो करंट की डायरेक्शन जो होती है दैट विल डिसाइड बाय द लेंजेस लॉ दैट वी हैव ऑलरेडी हैव डन इन डिटेल्स। तो यहां पे उसी तरह से होता है, क्योंकि ये किस तरह से सर्कुलर पाथ क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। अब जब वो फोर्स एक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इंसिस्ट करेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इंसिस्ट करेगी, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन मूव बट दे कैनॉट लीव द कंडक्टर, कंडक्टर से बाहर तो जा नहीं सकते, सो दे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ इन साइड द कंडक्टर ओनली, एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ दीज मूविंग चार्जेस दे विल प्रोड्यूस अ करंट जिसको हम सर्कुलेटिंग करंट भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडी करंट। ये इस तरह का फॉर्मेशन बनाता है, इस फॉर्मेशन को जो बोला जाता है, दिस फॉर्मेशन दैट इज अ सर्कुलर फॉर्मेशन जो होते हैं इसको एडीज बोलते हैं। एडीज का हिंदी में मीनिंग होता है भंवर। भंवर क्या होता है, पानी के अंदर ही एक सर्कुलर फॉर्मेशन बने जाते हैं, पानी के अंदर बनता है, इसको भंवर बोलते हैं। तो एडीज का जो मीनिंग होता है दैट इज योर भंवर। तो ये जो एडीज है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दे शुड नॉट बी एनी कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से आप इस तरह से समझिए कि एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाता है, सब बच्चों को बंद कर दिया जाए, और उन बच्चों को बोला जाता है कि आप भागिए। तो आप भाग के कहाँ जाएंगे, अगर आप भागेंगे और बोला है कि भागना है और रुकना नहीं है, तो देर इज ओन वन पॉसिबिलिटी कि वो सारे बच्चे सर्कुलर अगर मोशन लेते हैं तो उसमें वो दे कैन कॉन्टिन्यूसली रनिंग, और कॉन्टिन्यूसली रनिंग के साथ वो रुक भी नहीं सकते और ना ही वो एक दूसरे को
कोलाइड करेंगे. सो तो वेन एवर द कंडक्टर इज इंसर्टिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. दो सर्कुलर करंट कहते हैं और जिनको हम एडी करंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ. नाउ एडी करंट्स का जॉब क्या होता है, किस तरह से वो काम करती है. नाउ लेट अस अज्यूम कि ये आपका एक ब्लॉक है, मैग्नेटिक का मैग्नेटिक ब्लॉक है, साउथ पोल है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हमने एक थ्रेड के साथ एक कंडक्टर ले लिया. इस बारी हमने यहाँ पे क्या है, एक प्लेट ले ली, कंडक्टर ले लिया, कॉपर प्लेट ले लेते हैं और इसको इसके बीच में, ये दो मैग्नेट्स के बीच में ऑसिलेट कराना है फ्रॉम ए फिक्स थिंग. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि यहाँ पे ये कुछ फिक्स थिंग है, ये हमारी कॉपर प्लेट है. एक कॉपर प्लेट को हम ऑसिलेट कराएंगे इन बिटवीन द दीज टू पोल्स. अब इन दोनों पोल से क्या निकल रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल, तो इसलिए क्रॉस का साइन यहाँ पे निकाले बिकॉज दे आर मूविंग इन साइड. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आपकी फील्ड्स निकल रही है और हमने ये कॉपर प्लेट ले ली है और इसको किसी फिक्स पोजिशन पे इसके बीच में ऑसिलेट करते हैं. इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेट, तो ये ऑसिलेट करेगा. यू कैन सी द ऑसिलेशन, इट इज ऑसिलेटिंग. बट इट इज ऑब्जर्व दैट जब हम इसको अगर सपोज करिए विदाउट द प्रेजेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैग्नेट के बगैर ये ऑसिलेट कर रहा है, सपोज एक मिनट के अंदर ये 20 ऑसिलेशंस कर लेता है, ठीक है. बट ये देखा गया अगर हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कराते हैं तो इसकी ऑसिलेशन रिड्यूस हो जाती है. रिड्यूस मतलब वी हैव डन द वर्ड डैम्पिंग वर्ड आपने याद होगा, आपने हमने करा था 11th के अंदर डैम्पिंग फोर्स. डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है अगर आप उसको किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते. तो यहां पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को ऑसिलेट कराते हैं तो यहां पे देखते हैं कि वो डैम्पिंग हो रहा है, वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है. अगर वो एक मिनट के अंदर 20 ऑसिलेशंस ले रहा था विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी जो ऑसिलेशन है दैट इज रिड्यूस हो जाती है, दैट इज डैम्प्ड हो जाती है. ओके नो, तो वेन एवर अ कंडक्टर इज ऑसिलेटिंग इन साइड अ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो ऑसिलेट करेगा, तो डैम्पिंग में हमने पढ़ा था कि अगर पेंडुलम है तो उसका जो पेंडुलम जो टू एंड फ्रो मोशन में करता है तो वो धीरे 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 आके रेस्ट पोजिशन पर आ जाता है. तो उसका जो ग्राफ बनाते थे हम लोग, दैट इज इस तरह से ग्राफ बनता था उसका. दिस इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाता था. तो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट कि जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में करा तो बहुत जल्दी से उसने उसकी एम्पलीट्यूड को डैम्प कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कर कौन रहा है, ये कौन करता है, दैट इज द एडी करंट्स. दिस इज डन बाय द एडी करंट विच इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर, जिसने इसकी मोशन को डैम्प्ड कर दिया, रोक दिया है. और ये कैसे होता है, लेट्स सी. नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जब कंडक्टर आपका इस तरफ जाएगा तो यहां पे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है. यहां पे फाई मैक्सिमम है और यहां पे फाई आपका जीरो, विच इज जो अभी बहुत दूर है. तो जैसे ही ये मोशन में आएगा, जैसे ही मोशन में आएगा तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, आपका जीरो से फाई की तरफ जा रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो. देयर इज ए इंड्यूस करंट विच इज सेटअप इन द, दैट इज एडी करंट विच इज सेटअप इन दिस
कॉपर प्लेट। तो आपने लेंजेस लॉ में पढ़ा था, लेंजेस लॉ में हमने क्या करा था कि वेन एवर देर इज अ कॉइल, जब यहाँ पे कॉइल होती है, सर्कुलर कॉइल है, और यहाँ पे अपने मैग्नेट को लेकर आते हैं, इफ यू प्लेस द मैग्नेट हेयर, अगर हम मैग्नेट को लेकर आते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे जैसे ही वो आएगा उसकी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही वो नजदीक आने लगता है तो इट विल बिहेव, इसकी जो कॉइल होती है दैट कॉइल इज बिहेव एज अ, किस तरह से बिहेव कर रही है कि उसका नॉर्थ यहाँ पे है और साउथ यहाँ है। जब नॉर्थ नॉर्थ सामने आता है तो वो उसमें अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ कि वो देयर इज अ, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके मैग्नेट मूव करेगी तो यहां पर इसको ये देयर इज अ रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपेल होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। और जब इसे मूव करेंगे या जब पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करेंगे, अगेन द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, फिर इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ और इधर नॉर्थ पोल होगा, और देयर इज अ अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे जब ये दूर जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी लाई करेगा। तो जब यहाँ पे फ्लक्स आपका जीरो है तो जब फ्लक्स आपका मूव करेगा तो यहाँ पर आपका जो करंट होगा, तो यहाँ पर क्योंकि जब हम अंदर की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब लेकर आ रहे हैं तो अगर इसका नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आएगा, तो नॉर्थ पोल आएगा तो करंट की डायरेक्शन, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये एन ऐसे बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरफ हो जाएगी, दैट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो यहाँ पे एडी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से हो जाएगी। और जैसे ही ये इसके अंदर आएगा तो फ्लक्स इसके बाद क्या होगा, हमने पढ़ा था लेंजेस लॉ में, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो देयर इज अट्रैक्शन हो जाता है। जब अट्रैक्शन हो जाएगा दैट मींस ये नॉर्थ रहेगा और इसका ये नॉर्थ है तो इसका ये साउथ हो जाएगा। तो जब ये जैसे यहां से बाहर निकलेगा यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और लेकिन जब इस फील्ड से बाहर निकलेगा, सपोज फाई यहाँ पे आपका जीरो हो जाता है, फ्लक्स क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो जैसे ये बाहर जाने की कोशिश करेगा उसको बाहर जाने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा, दैट मींस यहाँ पर इसका, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है तो इसका ये वाला जो फ्रंट फेस है यहाँ पे साउथ हो जाएगा, या ना सी द डायरेक्शन ऑफ द साउथ पोल, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, पहले इस तरफ था डायरेक्शन, अब इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड ये सब कर कौन रहा है, दैट इज अ एडी करंट, दिस इज डन बाय द एडी करंट। सो एडी करंट क्या होते हैं, एडी करंट की डेफिनेशन क्या है, ये हमेशा अपोज करते हैं फ्लक्स को, क्योंकि यहां पर आपका फ्लक्स जीरो से इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे एडी करंट उसको अपोज करेंगे, एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द एडी करंट। तो जैसे जैसे यहां पर ये मूव करेगा देयर इज अ चेंज इन द एडी करंट ऑल्सो, एंड इट इज ऑलवेज अपोजेस द फ्लक्स। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहां पर कंडक्टर मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहा है, जब ये ऑसिलेट करेगा तो यहां पर इसके अंदर, सिंस द करंट इज रोटेटिंग इन अ फॉर्म ऑफ एडी करंट, तो जिसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट जनरेट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द पावर पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर भी होता है, मतलब कि पी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही पावर आपका होगा, दैट मीन्स उतनी ही हीट जनरेट होगी। अब सिंस यहाँ पे एडी करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आपका पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर है, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर में यहाँ पे सपोज इसका जो एरिया है, अभी अभी इसका जो एरिया है वो ए है, जो कॉपर प्लेट आपने ली है उसका एरिया ए है। नाउ अब इस एरिया को अगर हम रिड्यूस करते तो इसके अंदर का एडी करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इस एरिया को इस तरह से हम रिड्यूस कर देते, इसके अंदर स्लॉट्स बना देते हैं, इसमें से कुछ एरिया हम हटा देते हैं, तो कुछ एरिया हटाने का मतलब, दैट मीन्स एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन रो एल अपॉन ए, तो यहां पे एरिया को हम रिड्यूस कर रहे हैं, एरिया रिड्यूस हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इस एडी करंट्स को मूव करने के लिए जगह कम मिल रही है, दैट मीन्स आई आपका जो पी आई स्क्वेयर है वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो पावर एडी करंट भी रिड्यूस हो रहा है, तो जो इसके अंदर जो हीट लॉस होगा तो पावर भी आपका रिड्यूस हो रहा है, पावर भी आपका लॉस कम हो रहा है, पावर लॉस भी आपका कम हो रहा है,
तो पावर लॉस जब कम हो रहा है तो आपका हीट लॉस भी कम हो रहा है. सो दिस इज द मेथड जहां पर हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फ्लैट प्लेट, यहां पर हम जो प्लेट लेंगे अब की बार वो इस तरह से स्लॉट्स वाली प्लेट रहेंगे, जिसको हम यहां पर हम रोटेट कराएंगे इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये वाला मेथड हम बहुत जगह पे आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर इस तरह की प्लेट्स एक दूसरे के साथ चिपका चिपका के लगाई जाती हैं. अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं. तो इस तरह की जो हम होते हैं इसमें एडी करेंट्स के, क्योंकि एरिया कम रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट लॉस भी कम होगा, और हीट लॉस कम होने से हमें पावर भी हमारा लॉस कम होगा. एंड दिस इज अ मेथड विच इज यूज इन मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशन. लेट सी द एप्लीकेशन वन बाय वन. Now we are doing the uses of eddy current. तो first आपका है magnetic brakes in trains. Magnetic brakes जो आपके trains में रहते हैं वो they work on the principle of eddy current के work principle पे ही काम करता है. तो इसमें क्या होता है, there are two type of brakes. So यहाँ पे दो तरह के brakes रहते हैं, one is the linear, अदर इज सर्कुलर. तो लीनियर में क्या होता है कि मैग्नेट्स को इस तरह की फॉर्म में बना दिया जाता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके, और यहाँ पे आपकी ट्रैक रहता है, ट्रैक जो उसकी रेल की पटरी रहती है, ठीक है. और जब आपको ब्रेक्स लगाना होता है तो करंट विल पास थ्रू इट एंड इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, और इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है. यहाँ पे आपका एडी करंट प्रोड्यूस हो गया. एंड एडी करंट का क्या फंक्शन था, इट अपोजिस द मोशन. जो अभी हमने करा था कि जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है दैट अपोजिस द मोशन ऑफ द ऑसिलेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, ये एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे देयर इज अ रिपल्शन हो जाता है और यहाँ पे अपोज कर देगी उसकी मोशन को, इसकी मोशन को ये अपोज कर देते हैं. तो विदाउट टचिंग इट, ये इसको टच नहीं करता, उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेन की मोशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जो एडी करंट आपके इसके अंदर ट्रैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. सेम विद द सर्कुलर कॉइल के साथ भी रहता है. सर्कुलर जो रहता है, यहाँ पे आपका कॉइल होता है विच इज कनेक्टेड टू द फर्दर विद द बैटरी और द इलेक्ट्रिक पावर. तो जब इसके अंदर से करंट पास करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड एज द एडी करंट, जो इसकी मोशन को अपोज करता है. तो विदाउट टचिंग और रियर एंड ट्यूर प्रोसेस से वो ऑटोमेटिकली मोशन स्टॉप हो जाते हैं एंड इट इज अ वेरी पावरफुल ब्रेक्स. सो इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स के अंदर, तो यहाँ पे फिजिकली कोई टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो यहाँ पे टचलेस फ्रिक्शन रहता है और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट इट अपोजिस द मोशन. नाउ सेकंड आपका रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग. आपने गैल्वेनोमीटर में करा हो तो रीडिंग रहती है यहाँ पे. तो जब करंट पास करते हैं तो ये जो नीडल होती है ये ऑसिलेट करती है इन दिस डायरेक्शन. जब ये ऑसिलेट करेगी तो एक जगह पे नहीं रुकती, बिकॉज करंट एकदम प्रोड्यूस होता है इन द कॉइल और उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है. एडी करंट प्रोड्यूस होने से ही वो कॉइल रोटेट करती रहेगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट. तो इस गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पे हम लोग मैग्नेट लग जाती है नॉर्थ एंड साउथ बिकॉज ऑफ दैट. और जब ये कॉइल ऑसिलेट करती है इन बिटवीन द मैग्नेट, एडी करंट प्रोड्यूस होता है और इमिडिएटली वो बीच में रुक जाएंगे एंड यू विल गेट द रीडिंग हियर. अदरवाइज अगर ये एब्सेंस रहेगी, सिर्फ कॉइल होगी, तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो ऐसे घूमती रहेगी और आप वेट करेंगे कब आप जाके उसकी रीडिंग लेंगे. तो इमिडिएटली इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पे मैग्नेट लगा देते हैं. तो जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो ऑटोमेटिकली अपोजेस द मोशन एंड इट विल कम इन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, वो कॉन्स्टेंट हो जाती है एंड यू विल गेट द रीडिंग्स. नो नेक्स्ट आपका इंडक्शन फर्नेस. इसमें क्या करा जाता है कि इंडक्शन फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर मेटल को हम मेल्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइल बना देते हैं और यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे हम इसमें से करंट पास कराते हैं. तो जब करंट इसमें इस कॉइल में से पास करेगा तो इस मेटल को जब यहाँ रखेंगे तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा एंड सिंस द सर्फेस आपका फ्लैट रहता है, थिक रहेगा, तो एडी करंट प्रोड्यूस ज्यादा होगा एंड देर इंक्रीज इन द हीट एंड ड्यू टू दैट हीट इंक्रीज एंड इंक्रीज इन द करंट.
तो यहाँ पे क्या होगा, दे स्टार्ट मेल्टिंग इट, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट करंट से हम डिफरेंट टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारा इजिली जो मेटल्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे. दैट प्रोसेस कॉल एज द इंडक्शन फर्नेस में हम इसको प्रिंसिपल को, हम एडी करंट्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं विदाउट एनी बर्निंग. बर्निंग नहीं यूज करेंगे, कुछ भी हम बर्निंग फ्यूल यूज नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ करंट ओनली वी कैन डू दिस प्रोसेस. नो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर. पहले के टाइम पे, अब आजकल तो डिजिटल वाले आ गए हैं, तो पहले आपके ब्लैक कलर के, इफ यू हैव सीन हाउसेस में ब्लैक कलर के मीटर रहते थे, उसमें यहाँ पे बॉक्सेस बने होते थे जिन बॉक्सेस में डिजिट्स मूव करती थी, और यहाँ पे एक कट होता था और जिसके अंदर एक डिस्क, मेटल डिस्क की जो रोटेट करती थी. सो व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो यहाँ पे रीडिंग आती थी. तो ये जो डिस्क मूव करती थी, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडी करंट विच इज प्रोड्यूस बाय द करंट विच इज फ्लोइंग इन द मीटर. तो ये जो डिस्क मूव करती थी, दिस इज अ प्रोड्यूस ड्यू टू द एडी करंट. और अगर यहाँ पे कोई मेटल का पीस रख देते हैं, मेटल पीस अगर रख देंगे, तो इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे. तो दिस इज द ऑल द यूजेज ऑफ एडी करंट इन डे टू डे लाइफ. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एडी करंट. विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.